है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान, मेरा वोट मेरी ताकत। खबर जनपद श्रावस्ती से। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन। वहीं श्रावस्ती जिला पंचायत मैदान में दोपहर लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और उनका उड़ान खटोला बिलका पुलिस लाइन के प्रांगण में उतारा गया, जहां से जिला पंचायत के मैदान में पहुंचे और जनसभा का आयोजन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 289 प्रत्याशी पदम सिंह चौधरी व श्रावस्ती 290 विधानसभा के प्रत्याशी रामचरण पांडे जनता से अपील किया और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का सराहना किया और बताया कि जनपद श्रावस्ती में भगवान बुद्ध धर्म स्थली का विकसित किया जाएगा और उसे पार्टी केंद्र भी बनाया जाएगा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए बताया कि पूर्व सरकार में जंगल राज, गुंडा गर्दी, बलात्कारी आदि घटना होती थी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडा राज, महिलाओं का उत्पीड़न, ऐसी घटनाओं पर रोक लगा है तथा सरकार द्वारा गुंडों व माफियाओं को सलाखों के पीछे करने का काम किया है। इसलिए श्रावस्ती जनपद के सभी मतदाताओं अपना मत अधिकार प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाइए और 5 वर्ष में श्रावस्ती का जो भी विकास नहीं हुआ वो पुनः विकास करेंगे। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कावड़ यात्रा, इन सब पे रोक लगाते थे, दंगा करवाते थे। आज तो भाइयों बहनों दंगा नहीं होता, कर्फ्यू भी नहीं लगता। आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा हर हर कहकर के निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और जब समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की चुनाव आयोग को कि युवाओं को ये कहकर विश्वास मत क्यों दिया जा रहा है, तो हमने तय किया कि अभी 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या 2 करोड़ करेंगे। और 2 करोड़ करेंगे भी, और खर्चा जो आएगा डिजिटल एक्सेस का वह भी सरकार फ्री में उपलब्ध कराएगी। समाजवादी पार्टी के लोग परेशान है, कह रहे पैसा कहां से आ रहा। मैंने कहा उसके लिए तुम्हारे पास एक उपकरण है, तुम समझ नहीं पाओगे उस उपकरण को, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने समय में यह सब क्यों नहीं करा पाए। कहा हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा कौन विकास कराया है। मैंने कहा सड़क नहीं बनाए, अकेले रेल पाटन कमिश्नरी में हम 3 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आपका प्रारंभ हो चुका है, गोंडा और बलरामपुर में बन रहा है और श्रावस्ती की भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, यहाँ का एयरपोर्ट भी बन रहा है। मैंने कहा ये सब काम तुम क्यों नहीं करा पाए, गरीबों का राशन क्यों नहीं दे पाए, फ्री में दवा क्यों नहीं दे पाए। आगे हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा आखिर इसमें क्यों नहीं कहा, यह हमारी समझ में नहीं आ पाता। तो मैंने कहा तुम्हारी समझ में क्या आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री, और इनको बोलिए कि वोट भी वहीं से ले लीजिए। वो देखे ना, और अब उसे पूछते पैसा आपके समय में कहां से आया है। मैंने कहा देखो भाई, एयरपोर्ट बनाना हो या एक्सप्रेस हाईवे, सड़क की लेवलिंग करनी हो या जमीन की, उसमें चलता है। सड़क बनाने में बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं और जो माफिया गरीबों को ढूंढते थे, व्यापारियों के साथ छिनैती करते थे, बमबाजी करते थे, ये बुलडोजर उनको भी रोकता हुआ जब जाता है तो उनके वैध कमाई को है। भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान, मेरा वोट मेरी ताकत।